यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के 5 नगर निगम के लिए वोटिंग जारी है। शहरी सरकार के लिए लोग वोट कर रखे हैं और अलग अलग जगहों की अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करेंगे हिसार की। हिसार में अभी तक 32.5% मतदान हो चुका है। ये सुबह 7:30 बजे से लेकर अब तक का आंकड़ा है। ताजा आंकड़ा हम आपको दिखा रखेंगे हिसार से। इसके अलावा पानीपत में अभी तक 29.1% मतदान हो चुका है, वोटिंग की जा चुकी है। सीएम सिटी करनाल में अभी तक 36.0% यानी कि 36% वोटिंग यहां पर हो चुकी है सुबह 7:30 बजे से लेकर अभी तक। यमुनानगर में करीब 34% मतदान हो चुका है और रोहतक की बात करें तो अभी तक 31.3% लोग जो कुल वोटर्स हैं रोहतक के उनमें से वोट कर चुके हैं। जाखल मंडी में अभी तक नगर पालिका के लिए सबसे ज्यादा 78.7% मतदान किया जा चुका है। कैथल के पुंडरी में अभी तक 53.2% लोग वोट कर चुके हैं। तो सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक ये वोटिंग होनी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। ईवीएम के जरिए लोग उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने उतरे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रखे हैं। कड़ी सुरक्षा की गई है और खास बात ये है इस बार नोटा भी विकल्प के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा एक और खास बात है जो लगातार हम आपको बता रखे हैं, इस बार मेयर डायरेक्ट चुने जा रखे हैं और मेयर की स्वाभाविक तौर पर शक्तियां बढ़ गई हैं और सभी पार्टियों के लिए साख का सवाल ही अपने आप में नजर आ रहा है। बीजेपी सिंबल के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को लगातार चुनावी मैदान में रखा है, सीएम भी जिसमें शामिल हैं। इसके अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो अपनी गठबंधन की सहयोगी पार्टी बीएसपी के साथ साझा उम्मीदवार उतार रखी है और कांग्रेस की स्थिति पूरी तरह से संशय को बरकरार रखने वाली अभी तक बनी हुई है। एलएसपी की बात करें, कई जगह पर आजाद उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। नई बनी पार्टी जेजेपी ने समर्थन देने से इनकार किया है, अपने उम्मीदवार भी नहीं उतारे हैं। चूंकि टेक्निकल एक पॉइंट इसमें यह है कि सिंबल अभी नहीं मिला है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया गया है। चलिए करनाल से हमारे संवाददाता हैं केसी आर्या। केसी आर्या, क्या कुछ अपडेट है आपके पास फिलहाल? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं, करनाल में जो मेयर का चुनाव है आम जनता के द्वारा इस बार जो मेयर चुने जा रही है, वहीं जो 20 वार्ड के जो पार्षद उम्मीदवार है उनके लिए वोटिंग जारी है और सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी और लगभग 1 बजे तक 30-32% जो है ना वोटिंग हो चुकी है और उसके बाद जो है ना 4:30 बजे तक जो लगातार वोटिंग चलेगी। और फिलहाल जो है ना सभी आम जनता बाहर निकल रही है और अपने पार्षद और मेयर को चुनाव के लिए वोटिंग कर रही है। जी, तो जनता वोट करने के लिए आ रही है। किसी अरे किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं तुलनात्मक रूप से? देखिए आम जनता में तो उत्साह इस बात का है कि वो इस बार जो है अपना मेयर खुद चुनेंगे, क्योंकि जो पिछली बार जो मेयर चुना गया था वो आम पार्षदों ने मिलकर चुना था, जो कि आम जनता की सहभागिता नहीं थी। इस बार जो है आम जनता अपने मेयर के लिए वोटिंग कर रही है और जो जनता को अच्छा लगता है उसको वोटिंग कर रही है। जी, वही जो 20 उम्मीदवार है अलग अलग पार्टियों से उनको भी जो है ना जनता वोटिंग कर रही है। फिलहाल जो है ना 4:30 बजे तक करनाल में वोटिंग होगी और अभी तक जो है ना 30-32% वोटिंग हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको पूरी जानकारी देने के लिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे फिलहाल, शुक्रिया। चलिए सीधे रोहतक आपको लिए चलते हैं। सुरेंद्र सिंह हमारे संवाददाता रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आप किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं फिलहाल वोटिंग के लिहाज से? देखिए ज्योति, जिस तरह से रोहतक की बात करें, मैं अभी रोहतक के गांधी कैंप में हूँ और वहाँ जो वार्ड नंबर 14 और जो यहाँ बूथ नंबर 3, 4, 5 पे यहाँ काफी लंबी लाइन लगी है। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और अपने मत का प्रयोग करना चाहते हैं। दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जो वोटिंग जो ईवीएम मशीन है उसमें जो मतदान है काफी धीमी गति से हो रहा है, जिसको काफी नाराजगी लोगों में है, क्योंकि जो अगर ये धीमी गति से चला तो क्योंकि समय 4:30 बजे का है तो मतदान संभव नहीं है, तो लेकिन गति जो बढ़ानी होगी। सभी बूथों पे यही समस्या आ रही है। हमारे साथ हैं जो कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार सीताराम सचदेवा जी। सचदेवा जी, आज जिस तरह से वोटिंग चल रही है आप लोगों को कितना आश्वस्त है अपनी जीत को? मैं तो अपनी जीत को 100% हूँ, मेरी जीत होगी। बीजेपी वाले कहीं बूथों से अपने टेबल उठा के चले गए, उनका कोई आदमी नहीं है कहीं टेबल पे। हम सारा शहर घूम के आए हैं पर यहाँ आके पता चला है मतदान की गति बहुत धीमी चल रही है। हमारी पोलिंग को सबसे कम मतदान यहाँ हो रहा है। प्रशासन को चाहिए
या और मेंबर प्रोजेक्ट करें और उनको कह भाई इनके वोट डलवाओ। तीन तीन चार चार घंटे हो गए लोगों को। मेरी प्रशासन से यही इच्छा है कि जल्दी जल्दी और आदमी भेजें और इनके वोट दें। सीताराम जी, इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में गए, सभी की उम्मीदें हैं कि जो हमारा मीडिया पार्षद हमारी जो समस्याएं हैं वो सुख दुख में हम सबके काम आएंगे। मेन मेरा पानी का, सफाई का, गलियों का और पार्कों का है। ये जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद बाकी मुद्दे देखेंगे। जो भी मुद्दा होगा पब्लिक का, हम पब्लिक के साथ खड़े हैं और उनका मुद्दा हल करने में हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। 3 महीने बाद या 6 महीने बाद कांग्रेस का राज आ जाना है। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे और हम उनसे खूब काम करवाएंगे। पिछले 10 सालों में भी हमने खूब काम करवाया उनसे और आगे भी करवाते रहेंगे। तो जो जिस तरह से यहाँ पे काफी चल रहा है, जो यहाँ मलिक है वो कह रहा है मैं 6 आदमी और बुला रहा हूँ, जल्दी शुरू करवा देती हूँ। बिल्कुल पक्ष में जाएगा ये, इसलिए तो ये दोनों से कह रहे हैं। हम प्रशासन को यही कह रहे हैं अपना ये इसको गति दिलवाओ। दूसरी तरफ यहाँ पे जो रोहतक निगम की बात करें, काफी हॉट सीट मानी जा रही है, जहाँ पे 3 करोड़ का मुकाबला माना जा रहा है, जिसमें सबसे जो अव्वल वो आपका हमारे बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो तो 3रे नंबर पे। देखो आगे कौन आता है। हम अपनी जीत के 100% जी ज्योति देखिए, जो हमारे साथ सीताराम थे उन्होंने ये बताया कि जो धीमी गति से यहाँ पे मतदान हो रहा है और अधिकारियों से गुजारिश है कि और जो कर्मचारी है वो लगाए जाए जो समय पे मतदान हो सके। जी ज्योति शुक्रिया आपका ये पूरी बातचीत करने के लिए। तो सीताराम सचदेवा को आपने सुना, ये आजाद उम्मीदवार हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कांग्रेस है, ये इसलिए भी कहा क्योंकि अशोक तंवर कह चुके हैं कि ये कांग्रेस का समर्थन नकीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके जो समर्थक हैं उसमें हम बाकी विधायकों की भी बात कर लें, पूर्व विधायकों की भी बात कर लें जो उनके साथ आते हैं, वो कहते हैं कि हुड्डा साहब ने जिनको समर्थन दिया है वो हरियाणा कांग्रेस का समर्थन है। तो गुटबाजी जो है, मतभेद जो है, वो अभी भी जो कि लगातार बरकरार हैं और पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं, उस वक्त भी अलग अलग जो कि बयान निकल कर सामने आए थे, मतभेद देखे गए थे। अभी सीताराम सचदेवा को आपने सुना, जिनकी ओर से खास बात ये कही गई कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो 3रे नंबर पर है, बाकी जानकारी नकीक है। हालांकि उनकी ओर से ये भी दावेदारी की गई है कि हुड्डा साहब सरकार में आएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी और तो सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों की करीब करीब प्रतिष्ठा के लिए बेहद जो है बड़ा सवाल अपने आप में ये बन जाता है जब पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही हो। 90 के दशक से बीजेपी लगातार नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ती है, इस बार भी सिंबल के साथ है, इस बार सत्तासीन भी है बीजेपी। इसके अलावा इनेलो और बीएसपी के भी साझे उम्मीदवार मैदान में हैं। एलएसपी की ओर से भी हालांकि समर्थन दिया गया है। कांग्रेस इस बार भी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। तो सभी जो नगर निगम के, उसके अलावा 2 जो नगर पालिका हैं जिसमें फतेहाबाद की जाखलमंडी की बात कर ले या फिर कैथल के पुंडरी की बात कर ले, उसके मतदान का आंकड़ा आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देखते रहिए। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कहां कितनी वोटिंग अभी तक हुई है। चलिए विकास बिश्नोई है हमारे संवाददाता, हिसार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी आपको फिलहाल वोटिंग को लेकर मिल पा रही है, बताइए। बिल्कुल ज्योति, वोटिंग बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। पहले कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन में खराबी की बात सामने आई थी, लेकिन उसके बाद जो अधिकारी हैं वो तकनीकी जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे और उन मशीनों को वहां से हटाया गया और उनकी जगह नई मशीनें लगाई गई हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, 2 बजे का वक्त हो गया और 4:30 बजे तक जो भी मतदाता बूथ की जो बाउंड्री होती है उसके अंदर होगा उसका वोट मान्य होगा, वो वोट डाल सकता है। 31% के करीब अभी तक मतदान हुआ है अगर हिसार नगर निगम की बात करें तो। तो विकास, सुबह सुबह ये मोमेंटम नहीं बन पाया था क्योंकि आपने बताया कि लोग सर्दी के कारण घरों से बाहर नहीं निकल पा रखे हैं। अब मानकर चला जाए कि लोग घरों से निकल रखे हैं, वोट भी अपने उम्मीदवारों को किया जा रहा है उनकी ओर से। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, देखिए ये सरकार और प्रशासन के सामने भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। 67% मतदान हुआ था
जब पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसके बाद से जो जागरूकता अभियान है उनमें तेजी आई है, जो वोटर है उनको जागरूक किया जा रहा है ब्लॉक लेवल पर जाकर, शहरी इलाकों में, गांव में जाकर। तो अब मतदान का जो प्रतिशत है उसको तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। साथ में प्रशासन के सामने दूसरी चुनौती ये है कि सुचारू रूप से वो चीजें हों, किसी तरह के एलिगेशन ना लगे, क्योंकि ईवीएम से जब भी मतदान जहां भी होते हैं कहीं ना कहीं कोई उम्मीदवार उठकर आता है और वो कहता है कि इसमें गड़बड़ी की शिकायत है। हाँ। उन सब चीजों को दूर करने के लिए सुबह सुबह सबसे पहले जो उनके पोलिंग एजेंट है तमाम पार्टियों के और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके, उनको बुलाकर मॉक पोल करवाया गया था। उसके बाद से ठीक 7:30 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन पहले घंटे के अंदर नाम मात्र लोग ही वहां पर पहुंचे थे। चले विकास, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो हिसार की अपडेट आपको दी सुबह सुबह, हालांकि वोटिंग का आंकड़ा बहुत कम था यहाँ पर, अभी फिलहाल करीब करीब जो बाकी निगम हैं उनके बराबर पहुंच चुका है, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा या बड़ा आंकड़ा नहीं है। चलिए सीधे आपको पानीपत लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता कमल कौशिक हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कमल, क्या जानकारी आपको हासिल हो पा रखी है, पानीपत में फिलहाल क्या स्थिति है बताइए। चलिए एक बार फिर से इनसे जुड़ेंगे। तो लगातार आपको अपडेट खबरें अभी तक दे रहा है शहरी सरकार, जिस दिन से घोषणा की गई थी कि नगर निगम के चुनाव होंगे उस दिन के बाद लगातार आपको अपडेट दे रखी है, कौन सी पार्टी सिंबल पर है, कौन सी बिना सिंबल के, किसी को समर्थन दे रखी है, किसका कौन सा उम्मीदवार है, फिलहाल वोटिंग का आंकड़ा क्या है, किसकी क्या दावेदारियां रखी, मुद्दे क्या है। तो हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर आपको विस्तार से जानकारी और विश्लेषण की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है। चूंकि 19 दिसंबर को परिणाम आने के, आज वोटिंग ये हो रखी है, सुबह 7:30 बजे से वोटिंग जारी है और पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं निर्वाचन आयोग की ओर से, काफी पोलिंग स्टेशन वो भी हैं जिनको संवेदनशील, अति संवेदनशील भी हर बार की तरह घोषित किया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कई जगह से खबरें ये भी सामने आई हैं कि ईवीएम मशीन है जो है उसमें गड़बड़ी है। रोहतक से आपने खुद जो हुडा साहब के समर्थित उम्मीदवार थे उनको सुना, उनकी ओर से कहा गया कि बहुत धीमी गति से वोटिंग चल रही है, इसको लेकर थोड़ी शिकायतें जरूर आ रखी हैं। कमल कौशिक एक बार फिर से पानीपत से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। कमल, फिलहाल अपडेट वोटिंग को लेकर अपडेट यही है कि 2 बजे तक 26.8% वोट पानीपत में हो चुका है और बाबरपुर मंडी के 2 बूथ थे जहां पर हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां पर भी खबर ये सामने आ रही है कि 1 से 2 वोट वहां पर भी पड़ चुके हैं। हालांकि विवादास्पद ये वोट हो सकते हैं क्योंकि वहां जो लोग थे वो कहते थे कि हमारे में एकता है, हम यहां पर वोट नहीं डालेंगे। लेकिन लगातार आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे भी कि यहां पर अब लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं, जो लोग हैं अब चाहते हैं कि समय आ चुका है घर से निकले और वोट जरूर डालें। सभी को मालूम है कि एक एक वोट कितना कीमती होता है और जो ये समझते हैं वो लाइनों में भी खड़े हैं। ज्योति, लाजपत हैं, लगातार 10 से 15 दिनों तक ग्राउंड पर रहकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि असल में बड़े मुद्दे क्या हैं जो जीत का एक सबब बन सकते हैं, उनसे जान लेते हैं लाजपत क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिनको मन में रखकर यहाँ पर वोटर वोट करने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री का जब सपना है कि स्वच्छता अभियान, तो ये बिल्कुल एक सरकार की पोल खोलने वाला वादा है, क्योंकि जो नगर निगम के चुनाव हैं वो बिल्कुल देश के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि जो अगर सफाई की बात करें, रोड जाम की करें या कोई भी गलियों की बात करें तो वो बिल्कुल पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो लोगों को सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल लुभाया जाता है, लेकिन आज भी देश की जनता परेशान है क्योंकि गंदगी ज़्यादा है, गलियाँ खराब हैं, रोड पे जाम की स्थिति। सफाई व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा पानीपत में, और ये देखा भी गया है कि लगातार जो है नगर निगम पर सवाल उठते हैं और करोड़ों का बजट भी जो है यहाँ पर आवंटित तो होता है लेकिन उसका उतना फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा दूसरे मुद्दे की बात करें, क्या अहम मुद्दा हो रहा है इस समय नगर निगम चुनाव? जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम का चुनाव जो आज पानीपत की जनता है वो बिल्कुल चुनेगी और एक एक वोट कर बिल्कुल कीमती है। यहाँ पर अगर हम पिछले किसी चुनाव की बात करें तो 3 वोट का भी हमने राय में बिल्कुल देखने को मिला था, तो आज जनता जो पानीपत की है वो एक एक वोट कर अपने मेयर को चुनने का काम करेगी। और यहाँ पर जो विकास का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि पानीपत की तो वैसे ही मशहूर है, जंग की लड़ाई है, तो आज बिल्कुल जनता जंग लड़ रही है पानीपत को लेकर।
लेकिन ये आने वाला 19 तारीख को बताएंगे कि कितनी। आपने यहाँ पर जो ग्रामीण विधायक है पानीपत के महिपाल ढांडा, उनसे भी बातचीत की है, रोहिता रेवड़ी से भी बातचीत की है, सभी बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी के तरफ खड़े हैं, लेकिन उनकी भी एक परीक्षा हो सकती है अगर यहाँ पर जीत या हार होती है। क्योंकि यहाँ पर जो तीन विधायक हैं उनको उन्होंने भी पूरा दमखम लगाया, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी आए थे, लेकिन देश की जनता अब उसको जवाब देगी कि किसको चाहते हैं, कौन सा प्रत्याशी आगे आएगा। जी बिल्कुल ज्योति, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है, बिल्कुल लाजपत ने ठीक कहा कि यहाँ पर कृष्णलाल पवार लगातार हर दिन जो है अवनीत कौर जो कि बीजेपी मेयर पद के प्रत्याशी उनके साथ खड़े थे, मुख्यमंत्री साहब ने बड़ी रैली की थी, आपने देखा भी कि जब शिक्षा मंत्री साहब डांस करते हुए दिखाई दिए थे, कहा यह गया कि पब्लिक को रोकने के लिए ऐसा किया गया, तो उसके बाद मुख्यमंत्री साहब भाई भीड़ जुटाने की पूरी कोशिश की गई। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर दूसरे जो विधायक महिपाल ढांडा की बात करें या फिर रोहिता रेवड़ी की, सब ने अपना प्रचार प्रसार किया, देखना होगा 19 दिसंबर को क्या होता है। कमल बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी बातचीत करने के लिए। तो कमल को आपने सुना, हमारे संवाददाता को, हमारे संवाददाता लाजपत को भी आपने सुना, पल पल की हम अपडेट आपको दे रखे हैं, ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है वो आपके सामने रख रखे हैं। तो शहरी सरकार बनने जा रखी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत दूर रखी है, उससे पहले लोकसभा चुनाव भी होने हैं अगर एक साथ नहीं होते हैं तो, उससे पहले क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। बीजेपी पुरजोर प्रयास ये कर रखी है कि शहरी सरकार में हम खुद आए, हालांकि शहरी वोट बैंक जो है बीजेपी का माना जाता है, लेकिन इस बार आखिरकार क्या होता है, क्या किसी तरह के मुद्दों को लेकर आक्रोश जनता के बीच रखेगा, किस मुद्दे को लेकर जो है पब्लिक वोट कर रखी है और किसकी दावेदारी में कितना दम है, सवाल कई हैं, जवाब लेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ है हरियाणा कांग्रेस की ओर से, हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा जी हैं, स्वागत है आपका। इनेलो से संदीप गोयल साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और खबरें अभी तक के संपादकीय सलाहकार धर्मपाल धनखड़ जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हरियाणा बीजेपी की ओर से नीलम चौधरी जी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, इस चर्चा में शामिल हो जाएंगी। शुरुआत करेंगे शर्मा जी आपसे, सर आप लोगों का क्लियर ही नहीं हो पाता कि आप लोगों से सवाल क्या किया जाए। हुड्डा साहब एक और समर्थन दे रखे हैं, अशोक तंवर कहते हैं ये हमारे समर्थित उम्मीदवार नहीं है, क्या पिक्चर है, क्लियर करेंगे थोड़े? नहीं, पिक्चर तो बिल्कुल क्लियर है, पिक्चर में कोई धुंधलाहट नहीं है जी, बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर अशोक तंवर जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और मैं कहता हूं एक दो नहीं कम से कम 10 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा है कि भाई पार्टी जब सिंबल पर लड़ी नहीं रही तो हमारा कोई उम्मीदवार नहीं। हाँ ये जरूर है, पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं अलग अलग जगह पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और वो अपना दमखम लगा रहे हैं, ये तो जनता की अदालत में फैसला होता है। आप देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ तो हिंदुस्तान में एक चीज़ और नहीं परिपाटी शुरू होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी जनता की अदालत मान लग रहे हैं, और हम तो जनता की अदालत मानने के लिए राजनीतिक पार्टियाँ बनी हुई हैं। तो जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सिंबल पर लड़ रहे हैं, इनको इनका हिसाब किताब लोग जनता कर देगी। आपके खुद प्रवक्ता, आप लोग हिसाब किताब से डर गए? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं डरे, एक पार्टी की परिपाटी होती है। आप देखे एक चीज को टारगेट करके चले कोई भी करे तो वो एक अच्छा नेता। मैं तो आपके ही प्रवक्ता है, अभी कमल जी के साथ बोल रहे थे कि सफाई अभियान की पोल खुलेगी, जैसे नरेंद्र मोदी के नारों की पोल खुलेगी पानीपत में, मैं देख रहा हूँ जो कवरेज करने वाले लोग ये आपको बता रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, केवल आपने धुंधली तस्वीर के बारे में बात की, देखिए हमारे पूरे हरियाणा भर में इतने कार्यकर्ता हैं, इतने हमारे नेता लोग हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने मन से, चाहे वो पार्टी का सक्रिय करता, कोई पदाधिकारी भी तो चुनाव लड़ सकता है ना जी। अगर मेरा कोई पदाधिकारी पार्टी का चुनाव लड़ेगा तो वहां तो हमें भी जाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन सिंबल पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे, ये चीज क्लियर, इसमें कोई धुंधलाहट है ही नहीं। और हमारे जो बॉस हैं पार्टी के, सुप्रीमो है पार्टी के जो प्रधान है, वो जो निर्णय देते हैं उन जनता के बीच में निर्णय चला जाता है, उसमें डॉक्टर अशोक तंवर है आपके बोस, तो कह रहे थे सर आपके बोस ने तो लगातार कहा कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जब ये फैसला ले लिया गया पीसी चाकू की, सुन लीजिए, उसके बाद भी कहा कि बातचीत करेंगे, उसके बाद भी उनके, आपने तो खुद ये कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात करूंगा, तो मुलाकात करी मुलाकात हमने, मुलाकात हुई तो राहुल जी ने बोस की सुनी नहीं, राहुल गांधी पूरी सुनी, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, चलो मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, सुनी क्यों नहीं, सुनते हैं आपको, आपके टीवी चैनल पर भी आपने खुद दिखाया था, राहुल जी ने शक्ति ऐप के जरिए वो एक तरह से मेफरेंडम भी कराया था, रायशुमारी भी ली थी, और उसमें आया था कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ना चुनाव एकदम इतने जल्दी डिक्लेयर हो गए, रायशुमारी में आया भी कि चुनाव होने चाहिए, पर लेकिन उसके बाद भी वो उसके बाद राहुल जी ने ये कहा अशोक तंवर जी को बुला करके, और मुझे भी संदेश आया था कि आप जल्दी दिल्ली पहुंच जाइए, तो लेकिन समय कम था, रात को उसी टाइम उसी दिन समय मिल गया था उनके, क्योंकि एकदम था, तो जब हमारे अध्यक्ष जी वहां मौजूद था, हम सब लोग वहां मौजूद हैं, अध्यक्ष जी को उन्होंने ये कहा कि भाई अब क्योंकि समय बिल्कुल एकदम कम है, इसलिए हम आगे इस बात को पूरा तय करेंगे, जैसा आप चाहते हैं तो वो करेंगे। लगातार दावेदारियां की आप लोगों ने, जीत की, आज वोटिंग भी हो रखी है, क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन 4 साल का रहा है, कहीं ना कहीं शहर की जनता उनसे काफी परेशान रही है,
चाहे वो शहरी सुख सुविधाएं की बात हो, सफाई की हो, सीवरेज की हो और स्वच्छता की हो, या फिर पार्क में पार्क वाली फैसिलिटी है, और जो युवा हैं उनको सरकारी लाइब्रेरियां कहीं पर भी आज शहरों में कहीं पर भी निर्माण नहीं किया गया मौजूदा सरकार के द्वारा, और जो उनको ये लगता है कि भाई ये उम्मीदवार हमारे पक्ष में हमारी आवाज़ को रखेगा, सरकार के आगे रख के हमारे को फैसिलिटी दिलाने के लिए काम करेगा, तो शहर की जनता उनकी तरफ उम्मीद की दृष्टि से देखते हुए आज मतदान कर रही है। और मतदान के दौरान जो स्थिति जो उपलब्ध हुई है ज्योति जी, वो आप ये देखिए, जब से आचार संहिता लगी सरकार ने एक 1650 रुपये पर सिलेंडर की सब्सिडी देने का काम करके आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई। रही सही कसर इनके मंत्री मुनीश ग्रोवर ने रोहतक में एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया, जिसमें पैसे, गन, हथियार और जो भी चीज थी वो उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ। तीसरी चीज ज्योति जी, आप ये देखिए कि इनके मंत्री नाच रहे हैं, पब्लिक को रोकने के लिए नाच रहे हैं। अब देखते जाइए, अभी तो ये नाच रहे हैं, अभी तो पब्लिक इनको बंदर की तरह उल्टा भी लटकाएगी। आपने कहा कि आपके उम्मीदवारों में जनता विश्वास करेगी, लेकिन आपकी पार्टी की अभी तक ये छवि बनाई गई है उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है कि आप लोग सरकार की बी टीम है। देखिए ज्योति जी, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए। जिस प्रकार से मेरे भाई शर्मा जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने रायशुमारी ली, उसके बाद हमने ये मैक्सिमम मैसेज ये कि सिंबल पर लड़ो, परंतु क्या स्थिति हुई कि ये सिंबल पर नहीं लड़े। दूसरी बात ज्योति जी, जहां पर भी इनको ये लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट, मैं करनाल के कैंडिडेट के तौर पर मैं उदाहरण देना चाहूंगा, इनको ये लगा कि हमारी पार्टी का समर्थित उम्मीदवार आगे जा रहा है, तो बिन मांगे समर्थन के इनके पार्टी के नेता हूँ कि जिस प्रकार से करनाल की जनता सामाजिक संगठनों ने, विभिन्न विभिन्न धार्मिक संगठनों, या फिर मैं कहूंगा कि समाज के विभिन्न वर्ग ने एक उम्मीद और एक मांग रखी कि अगर मौजूदा शासन को अगर हराना है तो आप इस पर करनाल में, यानी कि करनाल में आप लोग कमजोर हैं, करनाल में कमजोर हैं, उम्मीदवार अक्रॉस दी पार्टी लाइन जाके आप देखिए, मुख्यमंत्री जी को चुपचाप आना पड़ा, भूपेंद्र हुड्डा जी को चुपचाप आना पड़ा हमारे समर्थित उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए। हिसार के अंदर आप देखिए, हिसार के अंदर एक विचित्र स्थिति बनी हुई है, कुलदीप बिश्नोई और सावित्री जिंदल जी का लोग उम्मीदवार को समर्थन, अशोक तंवर जी कहीं और समर्थन करवा रहे हैं। बताइए सर। देखिए ज्योति, हम बात करेंगे अब रोहतक की जी। रोहतक से भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन गोयल को जो है उम्मीदवार बनाया है, वो पूर्व मंत्री सेठ श्री किशन दास के बेटे हैं। और ये मज़ेदार बात ये है कि सेठ श्री किशन दास स्वर्गीय मंगल सेन के खिलाफ, जो कि भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके अपोजिट चुनाव लड़ते थे और कांटे की टक्कर होती थी। आमतौर पे इस शहरी चुनाव को या नगर निगम के चुनाव को हम कहते हैं कि ये लोकल और पंजाबी वर्सेज चलता है तकरीबन शहरों में, हरियाणा में खास तौर पे। इधर संचित नांदल जो है वो इनेलो ने उम्मीदवार बनाया है, और हाँ। संचित नांदल के पिता सतीश नांदल जो है वो इनेलो के टिकट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ क्लोई सापला सीट से जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं, और ये इनका ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ प्रभाव है ठीक ठाक। और तीसरा जो है सीताराम सचदेवा जो है वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कहे जाते हैं, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित उम्मीदवार हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जब कांग्रेस के तमाम विधायक और सांसद जो वहां मौजूद थे, पूर्व विधायक भी मौजूद थे, पूर्व सांसद भी मौजूद थे, राज्यसभा सदस्य भी मौजूद थे, तो हम इसको कांग्रेस समर्थित कह सकते हैं और कहेंगे भी। बेशक कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो इसका इनकार करते हैं। और दूसरी बात यह है कि तो समर्थन जो है यहाँ जो मुकाबला मुख्य बना हुआ है वो इन दोनों उम्मीदवारों के बीच बना हुआ है। सीपीएम की एक उम्मीदवार यहाँ से जो है वो जगमती सांगवान लड़ रही हैं, जो बरसों से महिलाओं के अधिकारों के प्रति संघर्ष करती आई हैं और काफ़ी सशक्त उम्मीदवार कही जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है उनको वोटों का समर्थन उतना मिल पाएगा। तो ये बात हमने रोहतक की।